भारत राष्ट्र समिति ने खम में एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई, कहा कि 400 दिन बाकी हैं, हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं स्वीकार रहे कि 400 दिन की सरकार है। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं, हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है, अब तो 399 दिन बचे हैं। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का। मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे, उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ गंगा हमारी पूजा का, हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की स्थान है। एक पानी का जहाज चला करके, विलासिता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। और जिस माँ गंगा को साफ हो जाना चाहिए था, माँ गंगा वैसी की वैसी है, नदी साफ नहीं है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया, फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया। हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलके अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। जिस राज्य में जीतते नहीं है लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो। ये बीजेपी वाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते।